अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबकी रुमीना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, ये है हमारे एरिया का शालीमार फालूदा स्पेशल। यहाँ मिलता है जो है साकीनाका पे कॉर्नर में। तो यहाँ पे मैं अरफान आए हैं, तो मैं मेन्यू देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि आप वैसे तो फालूदा पीने के लिए आई थी, तो सोची थी साथ साथ कुछ खा पी लिया जाए। और उनकी छुट्टी भी थी और रमज़ान शरीफ भी आने वाला, तो चलो कुछ खा एक ट्रीट की भी कर लिया जाए। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या खाया जाए ये वो, फिर सोची मेहंदी वड़ा बुला मंगा लेते हैं। और मुझे चीज़ टोस्ट सैंडविच बहुत पसंद है, तो मैंने वो ऑर्डर दी थी और मेहंदी वड़ा और शालीमार हम लोग बोल दिए हैं। बहुत साल के बाद यहाँ पे आई हूँ कॉलेज लाइफ में। मेरी फ्रेंड और शबनम और मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड शबनम और मैं, हम दोनों खास करके आते थे यहाँ फालूदा पीने के लिए। उसके अब्बा का कुछ काम रहता था तो बैंक के सिलसिले में आते थे, तो हम लोगों को भी ट्रिक मिल जाता था खाने पीने का। कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई, तो मैं इरफान को बता रही थी कि हम लोग आते थे खाते थे फालूदा पीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो भी दिन बहुत अच्छे थे। तो ये आ गया हमारा मेहंदी वड़ा, और जो कि बहुत अच्छा था। पहले ये सब नहीं यहाँ पर मिलता था, सिर्फ यहाँ पे स्पेशल फालूदा और एक जैसे जूस अनारस का जूस सॉरी पाइनएप्पल जूस वगैरह मिलता था। अभी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता भी स्टार्ट हो गया माशाल्लाह, ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत टेस्टी था। इतना बड़ा था बड़ा था, मैं इनको बता रही हूँ बहुत अच्छा है, फ्रेश है। ये हमारे यहाँ गया टोस्ट सैंडविच। मुझे टोस्ट सैंडविच कहाँ की पसंद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको शेयर करूँगी। मेरे अम्मी का कॉल आ गया तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, बहुत जल्द शेयर करूँगी कि मैं अपनी मतलब मैं मुझे कहाँ का टोस्ट सैंडविच बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे चीज़ टोस्ट सैंडविच बहुत पसंद है। तो ये हम लोग खा रहे बात कर रहे हैं। ये भी ठीक था, मेहंदी वड़ा ज़्यादा स्पेशल था, टोस्ट सैंडविच थोड़ा ठीक था। ये स्पेशल फालूदा आ गया है, अपने चाय मंगाया था और मैंने फालूदा स्पेशल शालीमार का, जो पेट फुल हो चुका था नहीं तो मैं फुल पीती। मुझे आइसक्रीम वगैरह बहुत पसंद है, तो और वही जायका अभी भी वही टेस्ट था जो पुरानी चीज़ें थी। अब थोड़ा थोड़ा तो कम हो गया हर जगह जैसे। तो फ्रेंड ये आ गया हमारा मेरा फालूदा, तो माशाल्लाह फालूदा भी बहुत अच्छा टेस्टी था। और खा के मुझे मेरी फ्रेंड पप्पे की याद आ गई और बहुत अच्छा था। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो रुबीना इरफान राइन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। और ये बोलना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो वॉच कीजिए ताकि हम और लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।